नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल पर पत्रकार वार्ता ली, जहां कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया है कि भारत निर्वाचन द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू की गई है। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर जनप्रतिनिधियों और पार्टी संबंधित योजना और विज्ञापन हटाए जाएंगे, जिसमें चुनाव प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से हो सके। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत चौथे फेज में उज्जैन लोकसभा के अंतर्गत चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें कि 18/4 को नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके पश्चात चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस पूरे चुनाव के लिए अभी से आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं वो जारी किए जा चुके हैं और संपत्ति विरूपण के विरुद्ध कार्रवाई अब जो है प्रारंभ की जा रही है, जिसमें कि 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, अभी करीबन 310 जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन किया गया उसमें 310 क्रिटिकल बूथ है। ये अभी संख्या वेरिएबल है, जो कैंडिडेट्स हैं, वरी लिस्ट है, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए किया जाएगा। इन सभी को हमारा प्रयास रहेगा कि जो 100% बूथ है इनको CCTV वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी या माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से इनको 100% कवर कराया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ सामान्य बूथ हैं जिनको भी हम लोग इन सभी माध्यमों से कवर कराने का प्रयास करेंगे। इधर उज्जैन के काठोड़दा गांव में निजी जमीन बताकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने और 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने कोठी पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर पार्टी के जोन प्रभारी डॉक्टर CL वंशकार और धन्नालाल सोलंकी ने बताया है कि द्वेषता पूर्वक यह कार्रवाई की गई है, जिसमें SDM और तहसीलदार को तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही हिरासत में लिए लोगों को रिहा करके जहां से मूर्ति हटाई गई है वहीं पर वापस लगाई जाए। कठोड़दा गांव में तराना तहसील के बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगभग 2 सालों से वहां पर रखी थी। पहले जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति रखी थी वो सरकारी जमीन थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के इशारे पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करके वहां से कल प्रशासन ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को हटा दिया और हमारे साथ 4 साथियों को, वहाँ के 4 साथियों को धोखे से बुला के उनको अरेस्ट कर लिया। तो प्रशासन से हमारी मांग है कि उन 4 साथियों को तुरंत रिहा करें और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जल्द से जल्द वहीं तक स्थापित करें, अन्यथा हमारे जो भीम आर्मी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और सामाजिक संगठन के लोग हैं, यहां पर उज्जैन में हम प्रशासन को जीने नहीं देंगे और SDM और तहसीलदार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। कल देवास में माननीय सांसद रामजी गौतम, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले वहाँ पर बहुत बड़ी सभा है। अगर इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो इस मुद्दे को हम दिल्ली के पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी।